कौशल यादव, स्वागत करती हूँ आपका हमारे न्यूज चैनल हिंदुस्तान न्यूज 24 में। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। हिंदुस्तान न्यूज 24 स्पॉन्सर्ड बाय दीक्षित कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन, स्टार्ट विद अ ड्रीम, फिनिश विद अ फ्यूचर। फिल्म जगत की पहली पसंद बन रहे उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जहां एक तरफ सितारों के शहर मुंबई से प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपनी फिल्मों के लिए उत्तराखंड का रुख करते नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड से भी लोग फिल्म जगत में अपनी किस्मत आजमाते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक उभरता हुआ नाम है राजेश गुप्ता, जिन्होंने खन्ना मूवीज के नाम से अपनी प्रोडक्शन कंपनी बनाकर नई प्रतिभाओं को जगह दी है, जिसके बैनर तले कई शॉर्ट फिल्मों के बाद 2 साल से लगातार चल रही शूटिंग के बाद अब इनकी फिल्म भजन सम्राट लखवीर सिंह लखा की पेशकश माँ पूर्णागिरी 12 अप्रैल को बड़े पर्दे पर रिलीज होने जा रही है। माँ पूर्णागिरी धाम पर बनने वाली यह इतिहास में पहली फिल्म है। इस फिल्म के माध्यम से दर्शक उत्तराखंड के माँ पूर्णागिरी धाम की महिमा और उसके मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों को देख पाएंगे। राजेश गुप्ता का कहना है, परमात्मा का आशीर्वाद इसी तरह बना रहा तो उत्तराखंड की छुपी हुई प्रतिभाओं को उभार कर बड़े पर्दे तक ले जाने का काम करूंगा। सबसे पहले तो जय माँ पूर्णागिरी। अपने माँ के दरबार में 70 से 80 लाख श्रद्धालु आते हैं और माता की श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए इतिहास में पहली बार उत्तराखंड में विराजमान माँ पूर्णागिरी के ऊपर हिंदी पिक्चर फिल्म बनाई, जिसको पेश किया है भजन सम्राट लखवीर सिंह लखा जी ने और बहुत अच्छे भजन गाए शारदा सरगम, लखवीर सिंह लखा, पन्ना गिल, पूनम गिल, खन्ना मूवीज ने इसको प्रोड्यूस किया। इसके जरिए जो हमारे देश में चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी समाज का हो भक्ति की आस्था रहती, तो इस फिल्म से ये मैसेज देना चाहते हैं कि ईश्वर तो ईश्वरी है चाहे वो किसी भी धर्म का है, इसमें जो लोगों को बखूबी पसंद आए मिलेगी। हमारे देश में किसी भी धर्म की कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है। हमारे देश के जो भी नवयुवक हैं जो भी हैं उनको बहुत ही अच्छी से मैसेज मिले। उत्तराखंड में जो नए आर्टिस्ट हैं या पुराने आर्टिस्ट हैं उनको भी उभरने का एक नया मौका मिलेगा खन्ना मूवीज की तरफ से।